चल्ललता विटामिन सी कॉप्रोडक्स मोर ऑनरेबल स्पीकर सर सर दादा नेक्स्ट एजेंडा लेने के लिए जी गो अहेड सर दूसरा एजेंडा वो भी सुधीर राव सर का ही है डॉक्टर चल्ललता द्वारा पैदा हालात से निपटने का नियम सुधीर राव सर ऑनरेबल स्पीकर सर मैं पूरे आपके माध्यम से और आपकी अनुमति से क्योंकि थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है पूरे हाउस को कुछ मैं बताना चाहता हूं उसके बाद इसके नियम रखूंगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा क्योंकि तो एक बात जो हमारे बुजुर्गों से हमने सीखी है और जो बड़े कमाल की है बुद्ध ने भिक्षुओं के और भिकुणियों के जो नियम बनाए वो एक भी ऐसा नियम नहीं था जो उन्होंने रात को सो के सुबह उठे और सुबह को ये कह दिया कि ये नियम मैंने बना दिया है हर एक सूत्र हर एक नियम के पीछे एक कहानी है एक समस्या है वो समस्या पहले आई है उस समस्या का निदान किया गया है हाउस बैठा है वहां वो समस्या बताई गई है उसको अनुभव किया गया है फिर उस समस्या का निवारण बताया गया है और फिर उस निवारण को सब लोगों को बताकर उनको रटवाया गया है कि भाई इस समस्या का इस तरह की समस्या का ये है कोई भी नियम बिना किसी समस्या के या बिना किसी स्टोरी के या बिना किसी कारण के आया ही नहीं वैसे ही जैसे जैसे यहाँ समस्याएं आती जा रही हैं और जैसे जैसे यहां चीजें अच्छी और खराब होती जा रही हैं वैसे वैसे यहाँ नियम बनते जा रहे हैं जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं पर जो लोग नहीं जानते हैं जो नए बाद में आए हैं उनके लिए मैं आज सारा का सारा बताना चाहूंगा और सब लोग ध्यान से सुने ताकि जब वो फील्ड में जाए और जब बातचीत हो तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम का पता रहे कि संघ कैसे चलता है और कैसे बनता है और कैसे संघ बना और कैसे संघ चला और बिल्कुल ऐसे सोचें कि जैसे हम प्राचीन काल में चले हुए हैं जब हमने यहाँ काम शुरू किया काम तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था लगभग 2001 2002 से ये बात तय हो गई थी कि जब तक संघ नहीं होगा जब तक हम साथ नहीं होंगे जब तक हमारा पुराना सिस्टम नहीं होगा और हम सारे लोग एक साथ नहीं होंगे हम जीत नहीं सकते पर इस बात को कोई मानता नहीं था क्योंकि उस समय हालात बहुत बढ़िया थे लोगों को रोजगार रोटी छोटा मोटा जो मिलता रहता था मिलता रहता था पूरा तो नहीं मिला उनको ना ही संविधान मिला पर लोगों को चिंता नहीं थी इस बात की कि उनको संघ जैसी कोई नेचुरल बॉडी भी बनानी है या नहीं बनानी है लोग संगठन बना के अपना काम कर रहे थे कुछ लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए थे पर समय तेजी से खराब होता चला गया और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा खराब होता चला गया तो कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि हमको यूनाइट होना चाहिए इकट्ठा होना चाहिए और कुछ लोग इस बात में लगे रहे लोगों को ये कहने में कि भाई संगठन से बात नहीं बनेगी हमको इकट्ठा होना पड़ेगा इन संगठनों को सबको मर्ज करो इकट्ठा करो एक साथ करो एक साथ आओ पर संगठन बात सुनने को तैयार नहीं कई बार प्रयास हुए बहुत लोगों ने प्रयास किए हमने भी प्रयास किया पर वो सब एक्सरसाइज ये तो नहीं कह सकते कि वो एक्सरसाइज खराब गई पर उससे हमें यह कल आ गई कि भाई ये संगठन नहीं इकट्ठे हो सकते इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमें समझ में आ गई तो यहाँ कोविड के टाइम में ये जो पोर्टल स्टार्ट हुआ ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि उससे पहले यह तय हुआ था कि जब संगठनों से बातचीत करके फेल हो गए हम लोग तो यह तय हुआ कि भाई लोगों से बात की जाए और इसका अल्टीमेटम संगठनों को दिया भी गया था बाकायदा लिखित में है कि अगर आप सब लोग 14 अप्रैल 2020 तक इकट्ठे नहीं होते हैं तो हम फिर 14 अप्रैल 2020 को लोगों से बात करना शुरू करेंगे कि भाई अब क्या किया जाए और हमको इकट्ठा होना चाहिए और इनका राशन पानी बंद करना चाहिए ये राशन पानी बंद करने का आइडिया बहुत पहले उस समय आ गया था जब संगठनों ने बात करने से भी मना कर दिया और वो सारे के सारे ये कह रहे थे कि हमारे नीचे आ जाओ हमारे नीचे आ जाओ अब कितने संगठनों के नीचे कौन कौन आएगा वही बात रहेगी तो उससे फायदा तो होना नहीं और नुकसान ज्यादा हो रहा है तो यहां जब जूम पर स्टार्ट हुए तो जूम पर लोग मिलने लगे और जूम पर सब तरह के लोग आने लगे तो जूम पर जब लोग आने लगे तो वहां जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो शुरू में आठ आदमी जो ज्यादा काम करने वाले थे वो चुने गए भाई ये आज से स्पोक है स्पोक का मतलब ये भिक्कू की तरह जीवन है इनका ये भिक्कू की तरह काम करेंगे स्पोक का मतलब प्रचार करेंगे काम करेंगे आठ लोग बने जब ये आठ लोग बने तो समस्या शुरू होनी आनी शुरू हो गई सबसे पहली समस्या क्या आई सबसे पहली समस्या ये आई कि उस समय एंकरिंग मैं करता था सारी सारी तो हमारे एक दो साथी जो साथ में चल रहे थे उनको लगा अरे ये तो यही एंकरिंग करता है और कोई एंकरिंग करता नहीं इसी की ज्यादा बात चलती है तो हमारे एक दो साथियों ने एंकरिंग करने के लिए कहा कर लो तो हम भी चाहते थे करें इसलिए एंकरिंग को अपने पास रखा नहीं पर वो एंकरिंग में चल नहीं पाए फेल हो गए और लोग एंकर आए बाद में वो कामयाब हुए तो यहां एक डॉक्टर आए जो हरियाणा के डॉक्टर थे उन्होंने कहा डॉक्टर्स की मीटिंग करनी है और उनको उनका पट्टाक बनाया गया यानी कि वो प्रमुख रहेंगे वो करेंगे उन्होंने मुझे फोन किया बड़ी मीठी आवाज में बड़ा सुरीला और बड़ा से भरा हुआ फोन करते थे जैसे ही जैसी आवाज कान में पड़ती है फौरन ही मेरे ब्रेन के अंदर ये सिग्नल आ जाते हैं कि इस बंदे को कुछ चाहिए ये सीधी सीधी बात नहीं कर रहा सपाट नॉर्मल बात नहीं कर रहा चाशनी में डुबो डुबो के कर रहा है कोई ना कोई तो चक्कर है जो ये इतना मीठा बोल रहा है वो व्यक्ति यहां चार आदमी इकट्ठे हुए नहीं अपने व्हाट्सअप में उसने कई कहानियां सुनाई मैंने साहब काशीराम जी के साथ काम किया ये क्या वो किया हमने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि जिसके थ्रू वो आया था वो आदमी हमारा बहुत पुराना मित्र था पता चला कि वो व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ आया था उसे किसी बड़े अफसर से किसी के थ्रू काम कराना था और वो व्यक्ति यहाँ अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था फिर बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का तो व्यवचार बहुत जबरदस्त है इसकी जो खुद की पत्नी है वो बड़ी परेशान है और उस व्यक्ति ने यहाँ पर ना बेकार बेकार सी बातें करनी शुरू करी मतलब ऐसी बेकार बातें जो एक घरचारी आदमी करता है और वो व्यक्ति संघ के ऊपर तब तक संघ का नाम नहीं आता था खाली विदा पीपल था वो विदा पीपल में इधर उधर की बातें करके इल्जाम इल्जाम लगा के वो चला गया उसने डॉक्टर सीमा प्रकाश पे भी इल्जाम लगाया और भी लोगों पर लगाया पर वो चला गया उसकी जो पत्नी थी वो यहाँ रही कुछ दिन तक वो भी अपनी परेशानी की वजह से रही कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की पहली बार वो बंदा यहाँ से गया तो हमारे कान खड़े हुए कि भाई यहां लोग अपने पर्सनल काम के लिए भी आएंगे आते तो सब जगह भी हैं पर सोच रहे थे कि नहीं आएंगे पर वो आए फिर हमारा जो एक साथी खास तौर से मेरा साथी जो आठ दस साल मेरे साथ रहा उसने देखा कि काम चल गया तो वो एक बड़ी मीठी मीठी बातें करा था उसने कहा सुधीर जी नेता आप ही रहोगे हमारे ऐसा करो इनको अलग अलग कुछ लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर उनका पदाधिकारी बना दो और फिर हम देखेंगे और उसने गाली देके भी कहा कि मैं इनके साथ देखूंगा पॉलिटिक्स कैसे होती है और आप धम देखना तो मैंने उनसे कहा कि जब हमने काम शुरू किया था बात शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि भाई नेता हमारे यही रहेंगे हमने ना पॉलिटिक्स करनी है और ना हमने कोई धमका काम करना है हमने तो लोगों को इकट्ठा करना है ये हमारा काम था कि सब लोग इकट्ठे हो जाए जो जो कर रहा वही करे हम तो ग्रस्त लोग हैं हमने क्या करना है उस व्यक्ति को थोड़ा सा धक्का लगा उसने सोचा कुछ था वो व्यक्ति बड़े कंफर्टेबल जोन में था सात आठ लाख रुपए महीने की उसकी नंबर एक की आमदनी है हर तीन चार महीने में एक फ्लैट खरीद लेता है पर वो पैसा वैसा नहीं खर्च करता मैंने इसलिए इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक जूम को जब वो पोर्टल को रिचार्ज कराने के लिए मैंने कहा कि अपना कार्ड दे देना उसके पास कार्ड होते हुए भी उसने मना कर दिया कार्ड नहीं दिया और जब मैंने एक बार ये कहा कि चलो काम स्टार्ट करते हैं एक एक लाख रुपए मिला लेते हैं सारे लोग मिलके तो उसने कहा जी हम पैसा क्यों देंगे पैसा दो लोग देंगे तो पता चला तो मैंने उसका प्रपोजल मना कर दिया कि जी ये बात क्या नहीं हुई थी मैं अपनी उसी बात पे आज भी अडिग हूं जो बात हुई थी आपने अगर यहाँ नेता बनाने पद देने हैं तो आप हाउस में प्रपोजल ले आओ उसे पास करा लो मैं ऐसे मदद नहीं तो सज्जन थे वो भी अनाप शनाप बोल बाल के चले गए और यहां तक कि उन्होंने कई सारी बातें ऐसी कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहती उनकी उम्र को शोभा नहीं देती उनको नहीं देती कह गए तो कह गए बात खत्म हु वो चले गए उसके बाद मेरे एक परम मित्र आए जो बाम सेफ में काम करते थे क्योंकि तो सब मित्रों को लेके आए थे यहाँ वो सेफ का कहीं काम किसी स्टेट में काम चलाते हैं उन्होंने फोन करके एक दिन बड़ा मीठा मीठा कहा कि सुधीर जी ये जो आठ आदमी शुरू में लिए हैं इन आठों को ही रखना और नेता आप ही रहोगे और देखो अब हमें ना इसका प्लान बना लेना चाहिए मैंने उनसे कहा देखो प्लान वाली कोई चीज चलती नहीं है और ये आठ पे नहीं रुकेगा हम तो इसको नेचुरल वे में जो चलता है जैसे हमने देखा है इसमें तो दसियों हजार लोग आने हैं और सब बराबर रहेंगे उनका ऐसे तो चलेगा नहीं मैंने कहा चले या ना ना चले पर ऐसा नहीं रहेगा फिर तो आठ लोग अगर आपने बनाए तो ऐसे तो आठ आठ लोग वाले बहुत संगठन है किसी में चले जाओ तुमने भी संगठन बना रखा है उसी में क्या दिक्कत है पर वहां उनका वो स्टेट लेवल लेवल का, का काम कर रहे हैं वो काम कहीं पहुंचा नहीं है आगे अभी हार मैंने पूछा क्या है क्या नहीं है तो कह रहे जी अम्बेडकर भवन बना रहे हैं अरे भाई अम्बेडकर पूरा जीवन लगा दिया संगठन चला चलाते खाली एक अम्बेडकर तो भवन बनाओगे क्या क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया तो वो यहाँ अपनी नेशनल पहचान के लिए आए वो अभी भी कुछ ना कुछ बोलते बोलते रहते हैं मैं अभी भी कहता हूं कि नहीं बात वही बनेगी जो सब लोग चाहेंगे तो ये समस्या आई उसके बाद में यहाँ फिर कुछ लोग और आते गए कुछ लोगों को हमने देखा कि यहाँ जो आए उसमें दो प्रकार के लोग आए जो एजिड लोग थे जो बूढ़े लोग थे एक तो वो लोग थे जिन्होंने ये कह दिया कि ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है इस काम में पूरी ताकत लगानी है हम इस काम के साथ हैं ये काम बहुत बढ़िया है और दूसरे प्रकार के लोग वो आए जिन्होंने ये कहा कि हमने पूरी जिंदगी में ये काम किया ये किया हम ये थे हमारा पद ये था हमारा पोस्ट ये था हम ऐसे थे हम वैसे थे और हमें उस काम की इज्जत मिलनी चाहिए और उस, और हमारी सुनो और हमारी बात मानो तो उन लोगों को ये कहा गया कि भाई बात तो संघ की मानेंगे आप संघ को मना लो आप अपनी बात रखो संघ आपकी बात मानता है हमें तो कोई ऐतराज नहीं है जहां इक्यावन परसेंट लोग होंगे हम तो वहीं काम करेंगे क्योंकि संघ की ये या विद पीपल की ये खास बात है कि यहाँ नियम वही होंगे उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी बात को मनवा सके संघ से क्योंकि बात ही उनकी गलत थी और मैंने साफ कह दिया कि बात आपकी चल नहीं पाएगी क्योंकि नेचुरल बात नहीं है ये संघ के लोग बड़े समझदार लोग हैं तो यहाँ दो तरह के लोग आए जो एजिड दो लोग थे पर हमने किसी की ना तो इंसल्ट की ना मान किया ना सम्मान किया हम नेचुरल रूप, रूप में वैसे रहे अच्छा किया तो अच्छा बोल दिया खराब किया तो खराब बोल दिया हमने चापलूसी नहीं की यानी संघ ने चापलूसी नहीं की ये बात चलती रही उसके बाद में कुछ लोग और आए उनको अपने स्टेट उनको अपना स्टेट बड़ा प्यारा लगा एक बार उनके कार्यक्रम लगा स्टेट का राजस्थान स्टेट की बात है और अपने ही राजस्थान के लोगों को उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया जिनको मैंने बुलाया था वो आपस में ही लड़ बैठे मतलब जिन लोगों को मैंने बुलाया राजस्थान के और वो राजस्थान के दिन का स्पेशल कार्यक्रम और वो लोग राजस्थान के थे मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो तुमने तो यहाँ पोर्टल पर कब्जा कर लिया माइक पर कब्जा कर लिया अगर राजस्थान का डे है तुम तो राजस्थान के लोगों को नहीं बोलने दे रहे हो कमाल कर दिया तुमने तो इस बात को उन्होंने अपने दिल से चिपका लिया कि हमको सबके सामने ऐसा क्यों कहा क्योंकि मेरी आदत है मैं तो बोल देता हालांकि कुछ बातें मैंने छुपाई भी हैं जिससे बड़ा नुकसान हुआ है मैं बताऊंगा आज आपको कि कौन सी बातें छुपा के संघ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसका मैं दोषी भी हूँ तो वो लोगों ने अलग चले गए अलग पोर्टल खोल लिया उनको लगा हमारी इंसल्ट हो गई मैंने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ कह रहे जी हमारी इंसल्ट हो गई हमारी कोई गरिमा नहीं है क्या तो मैंने कहा भाई तुम अपनी अकेले की गरिमा के लिए तो रो रहे हो और तुम्हें संघ की गरिमा दिखाई नहीं देती है ये संघ की जो गरिमा है ये तुम्हारी गरिमा से बड़ी कैसे हो गई और अगर तुम इतने व्यक्तिवादी हो तो तुम संघ में काम कैसे करोगे भैया यहां तो संघ की गरिमा ही देखी जाती है अपनी कोई गरिमा नहीं है अगर संघ की गरिमा है तो हमारी गरिमा है वो व्यक्ति अपनी बातों में उलझ गए यानी कि और वो जो टूट के गए जैसा कि प्राकृतिक नियम है कि पेड़ से अगर कोई ब्रांच टूटती है तो वो सूखती है वो फलती नहीं है कभी भी इसमें कोई शक नहीं है चाहे कोई उसको कितना ही खाद पानी दे दो चार पत्तियां वत्तियां तो निकल आती हैं पर उसकी जड़ कभी नहीं निकलती वो हमेशा गलती है सड़ती है ये नेचुरल प्रोसेस है इसलिए दुनिया में जितने भी संघों से टूट टूट के लोग ब्रांच बना के गए हैं वो सड़े ही हैं चाहे उसमें देवदत्त हो बुद्ध के समय और चाहे उसके अंदर साहब काशीराम के साथ जो लोग थे जो टूट गए वो हैं जब भी संघ के साथ टूट के जाएंगे वो सड़ जाएंगे वो पन वो पनपते नहीं है या पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे उसके बाद काम चलता रहा काम चलता रहा जब यहाँ काम चलना शुरू हुआ और बातचीत होने शुरू हुई तो ये हुआ कि भाई हमें दो महीने हो गए हमको मिलना चाहिए तो मिलने की बड़ी भी इच्छा थी, थी सबकी क्योंकि यहां बड़ा अच्छा वातावरण रहता था सब यहां अच्छे मन से बात करते थे पर सबके एजेंडे अलग अलग थे क्योंकि किसी के एजेंडे के बारे में हमने पूछा नहीं ना ऐसी बात होती थी जुड़ना है जोड़ना है तो कोई अपने आर्थिक एजेंडे लेके आया एक व्यक्ति ने कहा कि हम बैंक बनाएंगे आर्थिक एजेंडे हैं उसने बिना हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए दो लोगों ने मिलके हमने पता किया भाई पैसे क्यों मांगे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्योंकि आर्थिक स्थिति इसलिए खराब थी कि हमने उनसे भी कहा कि भाई आप कार्ड को रिचार्ज करा दो पर कार्ड उन्होंने कहा जी हमारे तो सारे कार्ड ब्लॉक हैं दोनों ने ये कहा तो मेरा तो माथा ठनक गया हाउस बैठा तभी भाई ये क्या चक्कर है तो बोले भाई पैसा लेना ही नहीं जिंदगी में कभी तो पैसे ना लेने का उस दिन नियम बन गया कि भाई पैसे नहीं लेने जिंदगी में कभी ना कोई खाता खुलेगा ये झगड़े की जड़ है वो नियम बन गया वो पास हो गया पुराने समय में भी कोई पैसा नहीं लेते थे वो प्रूव हो गया वो तय हो गया कि ये झगड़ी की जड़ है फिर उसके बाद में जब पानीपत के अंदर मीटिंग लगी तो वो मीटिंग हाउस से बहुत बार मांगी गई जो पूनिया जी थे पूनिया जी ने कहा कि हम मीटिंग कराना चाहते हैं वो बार बार ऐसा दम भरते थे कि वो पैसा खर्च करेंगे और पैसा खर्च करने के लिए तैयार है पूनिया जी और करमवीर जी दोनों साथ साथ दोस्त हैं मैं उनको बहुत पैसे जानता हूं तो कहा भाई चलो मीटिंग कराना चाहते हैं करा लो ना कहा सारा खर्चा हम उठाएंगे भाई उठा लो कोई दिक्कत नहीं है हाउस ने पास कर दिया मीटिंग तय हो गई तो वो पूनिया जी ने पैसे खर्च नहीं किए ना ही वो करमवीर जी ने पैसे खर्च कर दिए पर उसमें करमवीर सिंह के कहने पर किसी व्यक्ति ने क्योंकि उनका काम आपस में होता रहता है सब लोगों का ऐसे चलता है कह के किसी ने कराया वो भी स्पोक है हमारा नाम नहीं लेता क्योंकि अच्छा नहीं है उसने वो पैसा खर्च किया थोड़ा सा पैसा टेन परसेंट पूनिया जी ने खर्च किया और टेन परसेंट जो पैसा है वो हाउस ने खर्च किया क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी हाउस की तरफ से गई थी बहुत अच्छे वातावरण में पहली बार हाउस लगा हाउस लगना सीखा हमने देखा वहां पर जो डॉक्टर उमा उमाशंकर लाल थे वो आए हुए थे पीछे की लाइन में बैठे थे उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टरों की एक संगति कराऊंगा अच्छी बात है डॉक्टरों की संगति होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर सिंह भी बड़े मन से लगे डॉक्टर सीमा प्रकाश भी लगी और जो डॉक्टर थे वो भी हरे लगे तो वहां अच्छे खा, अच्छे खासी बात हुई तो वहां तय हो गया कि दिसंबर में मिट्टी लगेगी अच्छा सभी परिवार लगे हुए थे तो किसी ने कोई मन में कड़वाहट नहीं कुछ नहीं बड़ी मीठी बातें और सबने खूब पैसा खर्च किया डॉक्टर उमा शंकर लाल जी से ये कहा गया कि आप कमेटी बना लो बड़ी मीटिंग है बार बार फोन करके कहा कमेटी बना लो ना कहा बना लेंगे सर बना लेंगे सर तो मैंने कहा सबसे पहले आप जगह बुक करा लो उन्होंने एक वो देखा रिरोड देखा उन्होंने कहा कि वो हमारी परिचित डॉक्टर हैं उनका है सस्ते में हो जाएगा कहने लगे जी वो वहां जो मिल रहा है हजार रुपये पर हेड होगा शायद सात सौ साढ़े सात सौ रुपये पर हेड के करीब बात हुई थी तो मैंने कहा भाई आप एक बार कमेटी बना लो पास कर लो कह रहा बना लेंगे उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई डॉक्टर रमेश चंद्रा भी लगे वहां पे डॉक्टर स्वामी भी लगे जुड़े और वो नेटवर्किंग भी तब तक कमेटी बन चुकी थी वो नेटवर्किंग के मेंबर भी थे डॉक्टर स्वामी भी नेटवर्किंग के मेंबर थे तो वहां उन्होंने बिना कमेटी के कार्यक्रम किया तो कहा उनको बार बार के कमेटी बनाओ अच्छा रहता है पर उन्होंने नहीं किया पर कार्यक्रम हो रहा था तो हर व्यक्ति वहां गया वहां सौ से ज्यादा लोग गए नॉन मेडिकल वाले और अपने साथ डॉक्टरों को लेके गए जो नॉन मेडिकल वाले थे वो बिना डॉक्टर के नहीं गए पर उन्होंने डॉक्टरों को कहने में पूरी ताकत लगाई उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पौने तीन दो सौ अट्ठानवे करीब यानी तीन सौ के आसपास लोग आए और पैसा भी आया डॉक्टर यूएस लाल ने अपने आप पेमेंट की अपने आप सारा किया सारी बातें हो गई तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि भाई अगर चौबीस घंटे में सामाजिक कार्यक्रम का हिसाब ले लेते हैं तो वो सौ ठीक मिलता है वैसे तो हैंड टू हैंड होना चाहिए क्योंकि लिखा हो तो हाथ कियात हो जाए कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ इतना नहीं जैसे हमने पंद्रह तारीख को बता दिया कि भाई ये हॉल इतने में आया ये खाना इतने में आया ये इतने में आया हमने पूरे हाउस को बता दिया और जो हमारे गिलसर हैं उन्होंने पूरा हिसाब बता के और वो हाउस में दे दिया कि भाई इतने का घाटा इतने का फायदा है और ये चीज ऐसे ऐसे हुई है चालीस हजार रुपया घाटा उसमें आया तो बता दिया तो डॉक्टर यू लाल और डॉक्टर स्वामी को मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ रुका हुआ हूँ आप यहाँ आ जाओ तो वो स्वामी सर तो आ नहीं पाए डॉक्टर यू लाल आए तो उन्होंने कहा के बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया माहौल था इसमें कोई शक नहीं है तो उन्होंने कहा जी लगभग पिछहत्तर हजार रुपये बचे हैं तो मैंने कहा पिछहत्तर हजार रुपये तो बहुत बढ़िया बचे हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है सबके ढाई ढाई सौ रुपये वापस हो जाएंगे वहां हमने कुछ कमियां देखी जैसे खाना अच्छा नहीं था जैसे मिसमैनेज रहा जैसे जो डॉक्टर्स की मीटिंग में जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आया पर इतना हमने कर लिया कि एक अगली मीटिंग हमने तय करा ली वो अगली मीटिंग के लिए हमने कहा अगली मीटिंग यहां से फिक्स होकर जाएगी वो या तो मध्य भारत में होगी या साउथ इंडिया में होगी तो मध्य भारत के लिए हमने कटके सर को कहा कटके सर ने कहा कि मैं डॉक्टर की मीटिंग करा दूंगा महाराष्ट्र में हमने कहा भाई मध्य प्रदेश में एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो हमने डॉक्टर राजकुमारी बंसल को कहा कि भाई आप मीटिंग ले लो उन्होंने कहा मैं तो करा नहीं सकती तो हमने कहा आप नहीं करा रही हाउस करा रहा है आप सिर्फ यस करो तो उन्होंने हमारे कहने पर सबके कहने पर यस कर दिया और वो मीटिंग जबलपुर के लिए जबलपुर के लिए तय नहीं हुई थी मध्य प्रदेश के लिए तय हुई थी वो मीटिंग तय हो गई और ये अंडरस्टूड था कि ये मीटिंग तीन से ऊपर जाएगी क्योंकि सभी लोग जाएंगे और सारी मीटिंग तय होगी तो डॉक्टरों की इस मीटिंग के बाद में अब गड़बड़ से स्टार्ट होती है। देखो जो नियम बनाए गए हैं वो नियम टूटते हैं हालांकि ये नियम ये भी है जो बुद्ध ने नियम दिए हैं कि जो व्यक्ति टेंड नहीं है यानी जो भिक्कू नहीं है जो खाली अभी शावक है जो खाली सामनेर है जो सेखी है जो सीख रहा है उस पर ये नियम लागू नहीं होते पर उसको बताना पड़ेगा भिक्खु संघ को वो बताएगा कि भाई ये मैंने सीखा ये मैंने गलत सीखा ये ऐसा सीखा तो उस पर सारे मिलकर उसको समझाएंगे बताएंगे और वो माफी भी मिल जाती है कोई समस्या नहीं है पर कोई भिक्खु संघ को बताए तब ना कोई हाउस को बताए तब ना कोई हाउस के सामने रखे तब ना तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि पितर हजार रुपए बचे हैं तो मैंने किसी को कहा नहीं कि पितर हजार रुपए बचे क्योंकि हाउस में अनाउंसमेंट होगी भाई मैं कोई हाउस तो हूं नहीं मैं तो सिर्फ ये कि काम करने वाला व्यक्ति हूं तो वो हाउस में खुद बताएंगे तो अच्छा रहेगा मैं मैं क्यों बोलूं सारा कुछ तो वो कर रहे हैं मैं दिल्ली चलाया आने के बाद में मैंने कहा ठीक है आप हाउस को बता देना बाद में तो उन्होंने कहा जी हमने इतना पंद्रह हजार रुपया पेट्रोल खर्च हुआ वो हमने ले लिया और सत्रह हजार रुपये डॉक्टर रमेश जी के खर्च हुए थे वहां पे मकान में रुकवाने के लिए वो खर्च हो गए बत्तीस हजार रुपये खर्चा इसमें घट गया है और तीन एक हजार रुपये जो चार चारो कमरे बुक करवाए थे उसका एक्स्ट्रा गया तो ऐसे करके पैंतीस एक हजार रुपया लगभग चला गया अब मैं क्या बोलता क्योंकि मैं कोई हाउस तो हूं नहीं तो मैं यहां मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मेरे को यह बात अगर जानकारी में थी तो हाउस को बतानी चाहिए थी पर मैं इस चक्कर में रुक गया कि भाई ये खुद कहेंगे हाउस से जब हाउस हिसाब पूछेगा तो खुद खुद बताए तो उन्होंने हाउस ने हिसाब पूछा नहीं उन्होंने बताया नहीं फिर निरंकारी सर ने पूछा हाउस में के जी क्या खर्चा हुआ वो आए थे हजार रुपया दिया था तो डॉक्टर ने उनको कुछ फोन पे बता दिया समझा दिया कोई दिक्कत नहीं फिर जब हिसाब आया तो उन्होंने हिसाब में ये ये कहा कि भाई इतना पैसा था इसमें जो रुपया है बत्तीस हजार रुपयानियस खर्च हो गया अब किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो पता था किसी ने पूछा नहीं तो मैंने भी किसी को कहा नहीं मैंने क्यों नहीं कहा क्योंकि पहला कार्यक्रम हुआ है सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ है कार्यक्रम अच्छा है ये मिस्टेक उनसे हो गई है क्योंकि नेटवर्किंग कमेटी के अंदर ये प्रॉमिस लिया जाता है कि आपको अगर अपना घर बेच के भी पैसा देना पड़े तो दे सकते हैं पर सदन का या हाउस का पैसा खर्च नहीं कर सकते आप अपने व्यक्तिगत काम में और उन्होंने इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च किया तो मैं बड़े असमंजस में फंस गया क्योंकि हिसाब तो उन्होंने हाउस को दे दिया और किसी ने पूछा नहीं कि मिस्लेनियस क्या खर्च हुआ क्या नहीं खर्च हुआ तो मैं क्यों बताऊं पर मैं अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई पैसे और बच सकते थे हाउस के पैसे थे संघ के पैसे थे तो पैसे आगे से समझदारी से खर्च किए जाए बचाए जाए काम आते हैं हाउस में और ये बात मैंने एक बार और भी कही दो बार कही ये बात उनको चुभ गई और इस बात का चुभने का प्रमाण इस बात का है कि उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप एक मैसेज दिया कि यूट्यूब से इतने इतने पैसे कमाए जाते हैं ऐसा एक उन्होंने पोस्ट डाली तो उस दिन चर्चा थी तो मैं समझ गया इन टेंशन इतना बूढ़ा हो गया इतना ये तो बाल बाल तो वैसे ही काले किए हुए हैं तो मैंने कहा ये मन में लगा गए हैं और ये मेरे को एक तरह से कह रहे हैं कि देखो आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो और अगर हमने खर्च कर दिया तो क्या हुआ पर संघ के नियम के तो अगेंस्ट है तो मैंने उनसे कहा भाई हाउस में चर्चा लेना इस बात की मैंने उनको जवाब नहीं दिया उसके बाद हाउस में चर्चा हुई हाउस की चर्चा में मैंने कहा जी बोली आप क्या कह रहे थे तो उन्होंने कहा जी वो यूट्यूब का इतना पैसा आता है हम चाहते हैं कि यूट्यूब में जो पैसा है वो ऐसा लगे तो मैंने कहा भाई यूट्यूब मेरे नाम से नहीं है पहली बात ना मेरा यूट्यूब है और कोई पैसा अगर आपकी वीडियो लगा के उधर से आया हुआ है तो वो पैसा आप उससे ले लो जो भी है ये मालिक है ये फलाना है कोई नहीं आया क्योंकि वो दो ढाई तीन सौ रुपए थे वहां कोई एड वर्ड लगती नहीं और वो पैसे कोई ऐसे भी नहीं थे दूसरा हम पानीपत में ये नियम पास कर चुके थे के हमें दस हजार यूट्यूबर्स चाहिए और हमें नहीं पूछना कि वो कैसे काम चलाते हैं कैसे नहीं मैंने ये कहा था कि भाई जो यूट्यूब का खर्चा हुआ है वो आप दे देना और जो आपके पैसे आए वो आप ले लेना पर उनकी बात चले नहीं फिर ये बात वो आगे बढ़ाते गए और फिर उसमें और भी लोग शामिल होते गए ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक नियम टूटता है तो उससे कितने नियम टूटते हैं फिर उन्होंने अलग पोर्टल बनाने की परमिशन मांगी डॉक्टर्स की मीटिंग के लिए जो डॉक्टर्स की मीटिंग जबलपुर में होनी थी अब अलग पोर्टल की क्या जरूरत थी ये पोर्टल दिन भर खाली पड़ा रहता है शाम को काम आता है इसका हम पूरा किराया देते हैं इसमें पांच सौ आदमी आ सकते हैं पर उन्होंने अलग पोर्टल की मांगी मैंने तो विरोध नहीं किया क्योंकि वो सीधे सीधे मेरे से टसल करने वाले थे और संघ में और ज्यादा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता पर बाकी लोगों ने भी पास कर दिया क्योंकि मैंने विरोध नहीं किया तो बाकी बाकियों को विरोध करना चाहिए था नहीं किया अलग क्यों बना रहे हो क्या कारण है क्या नहीं है कोई आदमी अलग घर बसा रहा है क्या कारण है उनको ये कहा कि चलो भाई ये जो नियम है डॉक्टर के घटक संघ के ये नियम बनाते हैं तो तीन लोगों ने साफ मना कर दिया डॉक्टर सिंह ने मना कर दिया डॉक्टर यूएस लाल ने मना कर दिया और डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने मना कर दिया हम नियम नहीं बनाएंगे बड़ी अजीब सी स्थिति आई भाई क्या करे जब नियम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और नियम चाहिए तो काम कैसे चले तो बोले भाई बाद में बना लेंगे अभी छोड़ दो इसको तो छोड़ दिया नियम नहीं बने दिए क्योंकि नियम बनते राजकुमारी बंसल ने यह कहा कि नियम बनेंगे तो मैं तो काम करूंगी नहीं और मैं तो मीटिंग करूंगी नहीं तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई ये आपकी मीटिंग नहीं है ये हाउस की मीटिंग है आप नहीं कर रही हो मीटिंग आप इसको दिल से निकाल दो कि ये मीटिंग ज़िए आप कर रही हो आप सिर्फ इसमें कारण मात्र हो क्योंकि मध्य प्रदेश में हो रही है हाउस की मीटिंग है हाउस जाने हाउस का काम जाने ये बात शायद उनको भी बुरी लग गई और वो जो मीटिंग उन्होंने वहां की वो मीटिंग का हाउस से पूरा कट कर दिया उन्होंने कभी हाउस को नहीं बताया कि उन्होंने हजार रुपया क्यों तय किया उन्होंने वो जो मीटिंग 300 से ऊपर होनी थी वो कब उन्होंने घटा के 200 की कर दी क्यों कर दी कारण पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हम क्वालिटी वाले डॉक्टर इसमें रखेंगे नॉन क्वालिटी वाले डॉक्टर नहीं पहले उन्होंने जो पब्लिक थी उसके लिए मना कर दिया मेरा टिकट बुक था मेरे फोन नहीं उठाए वो टिकट कैंसिल कराना पड़ा और फिर बाद में वहां लोग नहीं आए तो उन्होंने फिर वो नॉन मेडिकल वाले उठाए बाद में पता चला कि उनको आईएमए की तरह उनका एक मित्र है जो आईएमए में है और उनकी उनकी टसल थी डॉक्टर यूएस लाल की वो आई एम की तरह इम्पा की तरह इसका एक संगठन बनाना चाहते थे जो वामन मेसराम जी का संगठन है डॉक्टरों का सेम उसकी तर्ज पर अलग संगठन बनाना चाहते थे अरे भाई अलग क्यों संगठन बनाना चाहते हो अगर आपको वैसा ही संगठन चाहिए तो इम्पा में शामिल हो जाओ जाके इम्पा वाला कोई विदेशियों का संग... वो थोड़ी है वो भी समण लोगों का है पर यहाँ संगठन संगठन खेलने की आदत पड़ी हुई है ये हमें बाद में पता चला ये सारी चीज चलती रही इस बीच में कई सारी बातें ऐसी हुई जिनसे ये पता चला कि वो संघ को तरजीह नहीं दे रहे संघ को कुछ समझ नहीं रहे हैं और उन्होंने संघ को कोई भी बात नहीं बताई वहां मीटिंग उन्होंने धीरे धीरे संघ से प्राइवेट कर ली और वो मीटिंग प्राइवेट हो गई इसमें कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं पता और ये गारंटी है कि किसी ने किसी को रोका भी नहीं बल्कि कहा कि जाओ क्योंकि मीटिंग अगर खराब होगी तो बेजेती संघ की होगी संघ की मीटिंग हो रही है समर्थन लिखा हुआ है पर बहुत सारे लोगों ने जब देखा कि प्राइवेट मीटिंग हो रही है तो वो उन्होंने खुद ही कैंसिल करा दिया पर यह बात हाउस के सामने नहीं आई कभी हाउस के सामने कभी रखी नहीं ये समस्या क्योंकि हाउस को तो माना ही नहीं हाउस की तो मीटिंग ही नहीं मानी अगर वो एक बार भी हाउस के सामने ये कहते कि इतने सारे लोग हैं उन्होंने कैंसिल करा दिया या ये मीटिंग 500 की जगह अब 300 सौ करानी पड़ रही है या 200 सौ करानी पड़ रही है या इसमें ऐसा कुछ ऐसा कुछ है पर पूरी मीटिंग में हाउस के सामने एक बार भी जिक्र तक नहीं आया तो हाउस पूरी पूरी मीटिंग प्राइवेट हो गई तो कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए पर संघ चुप रहा संघ ने कभी नहीं कहा कि ये मीटिंग प्राइवेट हो गई क्योंकि उस समय तक नियम नहीं बने और अपनी बात संघ खराब नहीं कराना चाहता है क्योंकि संघ का नाम चल रहा है पोस्टों तो पर संघ समर संघ का नाम चल रहा है इसलिए संघ अपनी बेजती क्यों कराएगा खामोश रहे सब समझदार लोग कुछ नहीं बोले मीटिंग हो गई अच्छी मीटिंग हुई खराब हुई वो विषय नहीं है पर वहां से मीटिंग से आने के बाद में 26 तारीख को मीटिंग हुई तो 28 तारीख को नेटवर्किंग पे पहला मैसेज जो आता है वो डॉक्टर आर एस स्वामी को दोगला लिखने का आता है और कौन लिखती है डॉक्टर कंचन लता तो जब उन्होंने दोगला लिखा तो मेरे पास मैसेज आया कि भाई डॉक्टर आर एस स्वामी को उन्होंने दोगला कहा है दोगला गाली है और डॉक्टर स्वामी डिप्टी सीएमओ है और वर्किंग है ऐसा नहीं और बहुत मिशनरी आदमी है सब लोग जानते हैं कि जब तक वो समाज का काम नहीं करते उनको नहीं पड़ता मैंने देखा है कि वो एक चादर लेके और भगी चले जाते हैं कहीं भी अगर मीटिंग हो अकेले चले जाते हैं पर डॉक्टर स्वामी इतने ग्रेट करेक्टर के आदमी है कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया और किसी से शिकायत भी नहीं की कि मेरे को गाली बकी भैन ने क्योंकि वो भी संकित जज जानते हैं अपनी महिला की जज जानते हैं अपनी जो महिला सहयोगी उसकी जज जानते हैं पर पहला मैसेज है ये आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं दूसरा मैसेज परिहार सर के बारे में लिखा जो निगेटिव था और तीसरा मैसेज लिखा एडवोकेट अभिषेक राजी के बारे में जिनको रट्टू तोता कहा और एडवोकेट अभिषेक राज जी ने इसके जवाब में सिर्फ ये कहा कि भाई आपकी मीटिंग 500 की जगह वो कम की रह गई आप खिसिया रही हो खिसिया गाली नहीं होता पर उन्होंने एट द रेट अभिषेक राज करके और पूरे में प्रचार किया और सब जगह प्रचार किया और महिला होने का प्रचार करने का पूरा फायदा उठाया सारी महिलाओं को सारे लोगों को लगा कि जैसे कंचलता बहन जी को बहुत ज्यादा अपशब्द और अपमानित किया गया है पर किसी ने ये नहीं पूछा कि बहन जी आपने क्यों उनको दोगला कहा क्यों उनको गाली बकी मैंने फोन किया मेरा फोन उठाया फोन नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी क्या बात है तो मैंने उनसे ये पूछने के लिए और भी कई लोगों को फोन किया कि भाई क्या जबलपुर के अंदर कोई गाली गलौच हुई कोई बदतमीजी हुई किसी ने अपमान किया किसी ने बेतजी की क्या हुआ वहां पर जो आते ही इन्होंने यहाँ ऐसा काम शुरू किया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमने कहा कि आप उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने आपके साथ में कुछ बदतमीजी की है हम हाउस में उसको बुलाते हैं हर जगह बंदे हैं कोई अगर बदतमीजी तो हम पहुंच जाएंगे कोई बात तो पता चले पर कोई बात ही ना बताए कोई बात ही हुई हो तो बताए भी इसका मतलब कोई बात नहीं हुई ये बात उन्होंने आज तक नहीं बताई उन सबको हाउस में आने के लिए हाउस में बात रखने के लिए बहुत लोगों को कहा बहुत महिलाओं को भी कहा पर कमाल यह हुआ कि 28 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद उनतीस तारीख को एक पर्चा आ गया जो जी डी निरंका जी की तरफ से आया और जिसमें यह लिखा था कि जबलपुर की मीटिंग में डॉक्टर्स ने तय किया है कि वो अलग से मीटिंग लगाएंगे इसमें और लोग भी आ सकते हैं जी डी निरंका जी ने लिखा मैंने उनको फोन करके पूछा ये सर ये पर्चा आपका है कह क्या जी ये डॉक्टरों ने कहा है कह रहा जी क्या तय हुआ कह रहा जी अलग मीटिंग लगाने का तय हुआ है हमने यहां हाउस में पूछा मीटिंग में पूछा डॉक्टर यूवी सिंह से सर ये ऐसे ऐसा पर्चा आया हुआ है नहीं हमारी तरफ से कोई पर्चा नहीं आया और सच में उनको कोई जानकारी नहीं थी उनको जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी एक समीक्षा मीटिंग हुई थी जो 28 जो 26 तारीख को जो उन्होंने वहां मीटिंग की उसकी एक समीक्षा मीटिंग की थी और उस समीक्षा मीटिंग के अंदर आर एस स्वामी जी ने नंबर भेजा जो नंबर जो उस मीटिंग का था और उस समीक्षा मीटिंग में मैं एंटर किया और मैंने वो सारी सारी मीटिंग सुनी और वो सारी मीटिंग सुनने के बाद में मैं ये पहुंचा इस निष्कर्ष पे कि डॉक्टर यूपी सिंह को तो कुछ पता ही नहीं है और ये सारा काम तो डॉक्टर राजकुमारी बंसल और ये डॉक्टर उमा शंकर लाल ने किया है और डॉक्टर उमा शंकर लाल का तो मुझे समझ में आता है पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल को कैसी कौन सी आफत आ गई ऐसा कौन सा किसी ने कुछ किया तो ये बात समझ में नहीं आई तो फिर मुझे वो बात याद आई जब राजकुमारी बंसल बहन जी ने यह कहा था कि मैं संघ में काम नहीं करना चाहती मैं कुछ बड़ा काम करना चाहती तो मैं समझ गया कि ये राजनीति की बात करनी है तो मैंने उनसे कहा था कि बहन जी राजनीति में कुछ नहीं रखा हुआ है आप संघ में काम करो तो मेरे कहने से वो उस समय रुक गई थी पर यहां वो नियम बन गया कि राजनीति में संघ कभी जाएगा नहीं तो राजनीतिक लोगों के लिए यहाँ रास्ता बंद हो गया हालांकि रास्ता बंद नहीं हुआ है हमने बार बार ये कहा है कि यहां से लोग राजनीति करने जा सकते हैं वो संगी भी रहेंगे पर एक्टिव संगी नहीं रहेंगे पर उनको निवेदन करना पड़ेगा संघ से कि वो राजनीति में जा रहे हैं तो संघ उनकी मदद करने करे अब को निवेदन है, तो तो है उन्होंने तय कर लिया कि उनको जाना है। उस मीटिंग में, में डॉक्टर जो यूवी सिंह है उन्होंने कहा कि राजकुमारी बंसल आप मत छोड़ो देखो मैंने नहीं छोड़ा है और मैं कभी जिंदगी आप भी मत छोड़ो ऐसे जाना ठीक नहीं है पर राजकुमारी बंसल ने कहा जाएंगी और वहां जो समीक्षा मीटिंग हुई और वो जो कार्यक्रम जबलपुर का हुआ उस कार्यक्रम के बाद में एक मैसेज डॉक्टर राजकुमारी कंप्लीट हुआ नहीं अभी उनका कोई मिशन कंप्लीट हो गया उस मीटिंग के बाद में ऐसा उन्होंने उसमें लिखा ये बातें होती रही तो कंचनलता बहन जी अचानक से फायरिंग हो गई और सबको वो आग उगने लगी पर बताएं किसी को नहीं और हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के जो ग्रुप हैं उनमें जिन जिन लोगों ने भी उनसे पूछा कि बहन जी क्या बात है उनको निकाल दिया उनको निकाल दी चले गई और सारा महिलाओं का बना हुआ इतनी मेहनत का ग्रुप का सारा सारा उन्होंने वहां से वो महिलाएं निकाल दी जो उनसे सवाल पूछ रही थी और जो महिलाएं सवाल नहीं पूछ रही थी वो उनके साथ में रह गई पर सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि आपने अलग पोर्टर बनाया ऐसा किसने क्या कहा क्या बात कही तो घूम फिर के कल ए के सिंह सर ने बताया कि जी सुधीर दास सिंह से कोई दिक्कत है तो एके सिंह सर ने कहा कि भाई सुधीर सिंह से कोई दिक्कत है तो सुधीर सिंह से हाउस से पूछ लो मैं तो हाउस में कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार हूं कोई भी बात मेरी छुपी हुई नहीं है और कोई बात अगर संघ को लगती है कि ये बात खराब है तो संघ हित में मैं तो जो आप कहोगे वो करने को तैयार हूं मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ तो पूरा जीवन संघ में लगाने के लिए हमने घोषणा की हुई है पर अगर हम ही गलती करेंगे तो संघ चलेगा क्या और क्या नहीं चलेगा पर कोई आए तो सही पूछने के लिए कोई नहीं आता पूछने के लिए कितनी बार कहा है कि भाई जो बात करनी है हमारे पास सूचना आई कि जी पांच आदमी उधर से बैठेंगे पांच आदमी आप आ जाओ टेबल पे बात करेंगे भाई मैंने तो मना कर दिया टेबल पे नहीं बात हो सकती टेबल पे बात होती है नेगोशिएशन की मोल भाव की खरीदने बेचने की होती है हम नहीं करेंगे टेबल पर बात हम जो बात करेंगे वो करेंगे संघ के सामने संघ संघ अपना तय करेगा क्योंकि संघ हमारा सुप्रीम है संघ हमारा सबसे बड़ा है व्यक्ति नहीं है अगर हमें टेबल पर बात करनी होगी तो हम किसी पार्टी पार्टी में चले जाएंगे भत्री पार्टियां घूम रही है और इतनी एबिलिटी तो है जिस पार्टी पे उंगली रख देंगे उस पार्टी में घुस जाएंगे पर उससे कुछ बनता नहीं ना बहुत सारे लोग एमपी बने एम बने मिनिस्टर बने दो चार एमपी एम बन भी जाएंगे क्या फर्क पड़ता है उनसे कोई बात बात नहीं बनने वाली बात तो संघ से बनेगी जब हमें समझ में आ गया है तो ऐसी तो नहीं कर सकते हम उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं काम तो फायदे फायदे नहीं करेंगे कोई बेवकूफ तो है नहीं जो हम नुकसान के लिए करेंगे तो कंचलता बहन जी के उस व्यवहार के बाद से एक दिक्कत ये आनी शुरू हो गई कि कंचलता बहन जी और दो तीन लोग और वो सारे के सारे लगाता लगातार लगातार फोन करते रहे इसमें हीरा जी का भी लिखा हुआ है रंगारी बहन जी का अपमानित किया गया वो मैं बता दूंगा क्योंकि तो कोई हाउस में आए तो पूछे तो बताए ना कि क्या दरअसल अपमान तो वो करके गई है पूरे हाउस का और हमारा और कुछ बात ऐसी है पर कोई हाउस में आता नहीं फिर भी मैं बताऊंगा तो कंचलता बहन जी और इन सबने फोन करने शुरू किए और वही बात जैसे संगठनों को तोड़ने का वो संगठन स्टाइल में भाई फोन उन्हीं को कर रहे हैं जिनको आप परिचित हो और कंचलता बहन जी को इस संघ में आने से पहले कोई नहीं जानता था वो उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की वो रिटायर हो गई रिटायर होने के बाद संघ में आई और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया उनकी जो सेंस है उनका जो बात करने का तरीका है जो पॉलिटिक बात करती है उससे संघ को बहुत फायदा हुआ और संघ से ज्यादा उनको फायदा हुआ पर संघ से एक गलती हो गई उस गलती को दोबारा नहीं करना इसलिए आज जो ये ये रखा हुआ है इसलिए रखा हुआ है कि वो गलती हम दोबारा ना करें क्योंकि गलतियों से हम सीख रहे हैं वो जो उन्होंने मेहनत से काम किया उससे उनका फेस गया उनका फेस गया और सारे लोग उनको पहचानने लगे इससे पहले उन्हें कोई नहीं पहचानता था कल भी वो रामराज की एक उसमें गई है क्या बोलते हैं मीटिंग में गई है वहां तीन लोग गए थे रामराज की मीटिंग में रामराज एक कांग्रेस के नेता है अब तो उनका उदित राज नाम है मुझे रामराज याद रहता है तो वो वहां कांग्रेस के लीडर हैं वहां गई हैं डॉक्टर कंचलता गई है वहां पर वहां पर मनीषा निगम बहन जी गई हैं और वहां पर ये क्या बोलते हैं डॉक्टर राजकुमारी बहन जी गई हैं तीनों वहां गई हैं उनके फोटो खिंचे हुए वहां भाई आपको लगता है कि कोई कांग्रेस के नेता का जो जो उसका कार्यक्रम है वो संघ के कार्यक्रम से बड़ा है तो बड़ी अच्छी बात है संघ की इतनी इज्जत ही आपको पता है इसमें कोई क्या कर सकता है जब कोई संघ को समझा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसको संघ को समझा सकते हैं कोई जबरदस्ती तो है नहीं तो वहां जो कंचनता बहन जी हैं उन्होंने सबको फोन करने शुरू करे अच्छा महिला का फोन जाए और किसी को पीछे की सारी बात पता ना हो और कोई पूछे ना तो कोई क्या करे सरवन बहन जी से मेरी बात हुई मैंने बहन जी आपकी क्या बात हुई उन्होंने कहा उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा ली फिर मैंने कुछ नहीं पूछा यह एक और समस्या है क्योंकि अगर कोई महिला बच्चों की कसम खा ले जाने और अनजाने में खा ले और हाउस का फेस करे ना हाउस में आके बात ना करे तो कोई क्या करे सरवन बहन जी भी चुप मैं भी चुप अब क्या बोले इसमें कोई तो ये जो मुगालते और ये जो अनजाने में या जो जान के चीजें हो रही हैं इसका बुद्ध के समय और बुद्ध के टाइम में सबसे बड़े जो तरीका था वो था निदान का वो था कन्फेशन का वो था हाउस के आगे हर पंद्रहवें दिन में बताने का दूसरों की गलती अपनी गलती क्या गलती है क्या नहीं है वो प्रोसेस हम नहीं कर पाए अगर वो प्रोसेस हमने शुरू से स्टार्ट कर लिया होता तो ये जो घटना घटी है और जो नुकसान हुआ है नुकसान सच में हुआ है नुकसान इसलिए हुआ है कि पके पकाए लोग चले जाते हैं कुछ आधे कच्चे भी लोग चले जाते हैं कुछ संगी नहीं बनते एक व्यक्ति आता है तीन व्यक्ति को साथ लेके आता है हम सोचते हैं जो तीन व्यक्ति को लेकर आया वो संगी बन गए पर पता चला वो संगी नहीं बने वो तो उसके रिश्तेदार हैं वो संघ में शामिल नहीं हुए ना उनको संघ समझ में आया वो रिश्तेदार के साथ आए और रिश्तेदार के साथ चले गए जो लेके आता है उसके साथ चले जाते हैं तो संघ को यहां भी नुकसान होता है अभी हम कच्चे कच्चे चल रहे हैं कुछ पक्के पक्के चल रहे हैं इसलिए ये निदान का जो नियम है हालांकि समय इसका हो गया पर ये पहले आ जाता तो ये बातें नहीं होती अब ये बातें नहीं होंगी क्योंकि अब लोगों को जो कच्चे कच्चे लोग हैं उनको पकाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि भाई आपकी ये गलती है आपकी ये मिस्टेक है उनको बताया जाएगा ताकि ये फिल्टर होता रहे पर कंचलता बहन जी ने फोन कर करके कर करके कर करके कर -कर कर -कर कर -कर कर -कर बड़ा सारा नुकसान हुआ और बहुत सारी चीजें हमारी खराब हो गई क्या खराब हुई सबसे ज्यादा खराबी तो हमारी इस बात में हुई कि हमारा जो हमारे विरोध में लोग थे उनको एक मौका मिल गया कहने का कि अरे इनमें टूट गया हालाकि समर्थस नहीं टूटा उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी के तहत वो काम कर रहे हैं और वो आज भी सारे समर्थ संगी है वो जानते हैं कि वो समर्थ संगी है और हमारा कोई उनसे द्वेष नहीं कोई वैमनस्य नहीं है कोई हमारा दुर्भाव व्यवहार नहीं है पर कटाक्ष हो रहे हैं कोई कहता है जी कमेंट ये लिख दिया कोई कहता है जी कमेंट वो लिख दिया कोई कुछ वो कहते हैं कोई कुछ वो कहते हैं ये बातें चलती रहती हैं उससे क्या होता है कन्फ्यूजन पैदा होता है जो हमारे सारे लोग हैं उनको खुद नहीं पता कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ जो बातें बीच में से आती हैं उनकी कड़ियां नहीं जुड़ती तो पूरी बातों का पता नहीं चलता और एक तरफा बाकी कभी सच्चाई नहीं होती जैसे मैंने ये सारा आपको बताया है ये सारा सच मगर ये सच तब मजबूत होगा जब सामने वाले लोग भी आए और इन बातों को काटें और अपनी बात कहें पर कोई आता नहीं हजार बार कहा कि आओ भाई बैठ के बात कर लो पांच सौ लोगों को पोर्टल है पांच सौ लोगों में बात बात कर लेते हैं पर अकेले में बात करना चाहते हैं हम नहीं करना चाहते अकेले बात अकेले में क्या बात करें अकेले में बात करने से कल को आप ही लोग पूछोगे क्या बात हुई जी आप लोगों में एक संशय और हो जाएगा एक भ्रम और हो जाएगा संघ बनने से पहले नीचे गिर जाएगा उसका फायदा क्या रहा खुल के बात होनी चाहिए और अगर कोई मिस्टेक हो गई कोई बात हो गई मुझसे हो गई या किसी और से हो गई तो इस संघ के अंदर जो नौसिखिया होता है जो सामने होता है जो अभी सीख रहा है उसको क्षमा करने का संघ के पास में है क्योंकि सजा उन्हीं के लिए है जो लोग परिपक्व हो गए हैं भिक्खों के लिए सजा है जो सामने रहे सीख रहे हैं उनके लिए माफी है वो तो अभी सीख रहे हैं तो सीखने के और सिखाने के बीच में एक कार्यक्रम होता है उपसमता का उपसमता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ट्रेन हो गया तो उसका ट्रेनिंग का टेस्ट होगा वो टेस्ट भी अब हम यहाँ लागू कर देंगे अगले महीने से कि जो जो लोग पक गए हैं उनका एक टेस्ट होगा फिर उनको ये कहा जाएगा कि अब ये स्पोक्स पक्के वाले हैं और ये कच्चे वाले हैं पक्के वालों को सजा होगी अलग नियम से कच्चे वालों को सिखाया जाएगा अलग नियम से उन सबकी भी माफी हो सकती है उनकी माफी भी होनी चाहिए क्योंकि तो वो सारे लोग अभी अनट्रेन हैं वो लोग सारे सारे अभी सीख रहे हैं कोई उनमें उपसमदा करके कोई ट्रेनिंग का टेस्ट पास करके कोई ट्रेनिंग लेकर नहीं आया हुआ है और इधर भी जितने लोग हैं वो भी सीख रहे हैं पर हाउस के आगे कोई कहे तो सही हाउस को माने तो सही पीछे से कैसे बात को कर ले जो बात हाउस के सामने बिगड़ी है उसको हाउस के सामने मनाना चाहिए इसलिए हाउस में आने कोई तैयार नहीं है हजार बार कहा है आप सबने ट्राई किया बहुत लोगों ने ट्राई किया हाउस में आइए हाउस में आगे बात कीजिए पर हाउस में कोई आता नहीं क्योंकि हाउस पूछता है हाउस के अंदर एक बात चीज चलती है कि भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई दो पक्ष होंगे पूरा हाउस उसमें जज होता है और उसको फेस करना चाहिए उसको फेस नहीं करते तो क्या नुकसान हुए भेंजी के जाने से से ग्रुप निकालना आरंभ हुआ किसी को एडमिन से हटा दिया किसी को ग्रुप से हटा दिया कुछ महिलाएं चली गई कुछ ग्रुप बंद हो गए कुछ ग्रुप खराब हो गए तो मैं यहाँ एक बात तो यह प्रस्ताव करता हूं हाउस के सामने कि ग्रुप की जितनी भी जानकारी है वो यहाँ डिटेल वर्किंग कमेटी को होनी चाहिए यानी कि डिटेल जो कमेटी है उसका एक आदमी उसमें एडमिन होना चाहिए और अच्छा तो यह रहे कि ग्रुप को स्टार्ट ही कमेटी करे ताकि वो संघ की प्रॉपर्टी रहे दो बार ऐसा हो चुका है एक राजस्थान वाले केस में और एक इसमें कि जब हम ग्रुप बनाते हैं और हम विश्वास करके कह देते हैं कि भाई ग्रुप बना लेना ग्रुप बना लेना और वो संघ के ग्रुप ना होकर लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं वही एडमिन होते हैं वही क्रिएटर होते हैं और जरा सा उनका ईगो हट हुआ जरा सा मनमुटा हुआ सबसे पहले वो ग्रुप बंद कर देते हैं या उसका नाम बदल देते हैं या उसमें ओ टी पोस्ट डालना शुरू करते हैं ये नुकसान हुआ इससे भ्रम फैला मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई उन्होंने कुछ कहा इधर से कुछ कहा गया उससे क्या हुआ कि लोगों को ये नहीं पता चला कि जिसके हाथ जो इन्फॉर्मेशन पड़ी उसने वही सच मान ली किसी ने वेरीफाई नहीं की अरे भाई आपको अगर कोई ये कहता है कि सुधीर खराब है तो कान पकड़ लो ना सुधीर का भी और कान पकड़ लो उसका भी दोनों को बैठा लो साथ साथ बताओ भाई तुम दोनों आपस में कह रहे थे ये खराब है ये खराब है बताओ उनके मुंह नहीं खुलेंगे ये पीछे पीछे होता है खराब और अच्छा आगे कोई खराब अच्छा नहीं होता आगे तो सब सोच समझ के बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन फेंकी उसके बाद संघ तोड़ने की आवाज दूर दूर तक गई जो संघ पावरफुल होता हुआ चल रहा था और जिसने दिल्ली के अंदर सबसे बेहतरीन अब तक का अपना एग्जाम पास किया है उसके विरोधी लोग खुश हो गए क्योंकि संघ तोड़ने की आवाज हालांकि संघ टूटा नहीं है उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी बनाया संघ कभी नहीं टूटते उसके बाद में आपस में वैमरस से बढ़ गया फोन मतलब डॉक्टर यू सिंह ये कहते हैं वैसे विपसना करके आए हैं कि मैं तीन लोगों से बात नहीं करूंगा एक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात नहीं करूंगा एक डॉक्टर रमेश चंद्रा से बात नहीं करूंगा और एक एक सुधीर राय से बात नहीं करूंगा और तीनों को वो ओपनली बोलते हैं भाई आप बात क्यों नहीं करोगे आप सामाजिक आदमी हो हम सामाजिक आदमी है हमने आपके कौन से बैंक अकाउंट एक से पैसे ले लिए या आपने कौन सी हमारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली हमारी कौन सा वैम है हम सामाजिक प्राणी है मैं तो समाज के नाते सबसे बढ़ जाता हूं कोई अगर काम करता है सामाजिक है तो मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ भाई सामाजिक काम में तेरे घर का थोड़ी है या डिक्लेयर करोगे तेरे घर का है तो डॉक्टर यूवी सिंह जैसे जो व्यक्ति परिपक्व है वो बच्चों जैसी स्थिति में आ गए ये बड़ा नुकसान हुआ वैमनस्य बढ़ गया हमारा परिवारों में विवाद पहुंच गया जिन परिवारों में एक परिवार में दो दो तीन तरह के लोग हैं वहां परिवार के लिए जाए या संघ के लिए जाए ये समस्या आ गई ये, ये सबसे खतरनाक समस्या है क्योंकि हम कहा बात कर रहे हैं जोड़ने जोड़ने की और कहा काम हो रहा है तोड़ने का तोड़ने का तो ये बंद होना चाहिए तुरंत बंद होना चाहिए और ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए तो यहां जितने भी लोग हैं क्योंकि ये जो नुकसान हुआ इस नुकसान का एक सबसे बड़ा कारण था कि हम रोटेशन नहीं कर पाए अगर कंचलता बहन जी को हम एंकरिंग से हटा के कोई और काम दे देते तो रोटेशन हो जाता रोटेशन हो जाता तो एक व्यक्ति का चेहरा इतना आगे नहीं जाता जब किसी व्यक्ति का चेहरा आगे जाता है तो अहम और ईगो साथ साथ आते हैं इसलिए बार बार प्रकाश सिंह सर कहते हैं कि भाई काम का रोटेशन करो काम का रोटेशन करो और काम के रोटेशन को करना बहुत जरूरी है जैसे मैं जो काम शुरू में करता था मैं छोटा जाता हूं वो काम नहीं करता आते मुझे सारे काम है पर मैं छोड़ता जाता हूं छोड़ता जाता हूं छोटा जाता हूं और अब मैं जो कंसेप्ट है उसको मैं डेली नहीं देता जब मेरी ड्यूटी लगाई जाती तब देता हूँ अब कंसेप्ट देने वाले बीस बाईस आदमी आ गए हैं ए के सिंह सर ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया निर्देश सिंह ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया जो क्या बोलते हैं हमारे कटके सर हैं वो तो मास्टर ही हैं जो हमारे ये क्या बोलते हैं प्रकाश सिंह सर हैं वो तो पूरी स्पीड से बोलते हैं उनकी तो, उनकी तो ट्रेन नहीं पकड़ सकता कोई जब वो कंसेप्ट बोलते हैं जो अभिषेक सर हैं वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट बोलते हैं इमरजेंसी के अंदर जो हमारे योग सर हैं बहुत बढ़िया बोल सकते हैं और परिहार सर बहुत प्लैटी बहुत आराम से बोलते हैं जो हमारे ये क्या बोलते हैं देसाई सर है उनका जो होता है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होता है मार्वलस होता है जो हमारी जो बहन जी हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं ये चंजना बहन जी बहुत बढ़िया बोलती हैं इनके हस्बैंड बहुत बढ़िया बोलते हैं हमारे लगभग सारे लोग ट्रेंड हो गए अब बीस पच्चीस तीस लोग ऐसे हो गए जो चालीस चालीस मिनट का कंसेट पचास पचास मिनट का बोल सकते हैं तो वो काम भी चला गया अच्छा हो गया रोटेशन में आ गया तो पहली दिक्कत ये हुई कि रोटेशन में नहीं हुआ इसलिए रोटेशन का नियम बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा काम नहीं करेगा फिर दूसरा काम करेगा फिर तीसरा करेगा जिससे कि उसके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाए संघ की और संघ अपने पैरों पे खड़ा रहे दूसरा यह हुआ कि जो हमारा संगति है उस संगति का हमने आरंभ में मध्य में संगति के खत्म होने में और उसके बाद में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जैसे जबलपुर की जो संगति हुई थी ये हमारे संज्ञान में था कि वो अब संघ को नहीं मान रहे ये हमारी जानकारी में था कि उन्होंने संघ को

इसका ऊपर हो तो मैं इसका प्रस्ताव करता हूं कि अगर कोई कमेटी अगर कोई मीटिंग जो संघ के नियमों पर नहीं चल रही है तो उसको इमीडिएटली हाउस से पास करा के संज्ञान में लाके उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाए या या उसको स्टॉप कर दिया जाए और जो लोग उसमें जाए उनको संघात में घोषित किया जाए कि जो संघी लोग हैं वो उस मीटिंग में ना जाए और करने वाले तो संघात में आएंगे आएंगे क्योंकि ये संघ को तोड़ने की तरीका है बुद्ध का संघ जब टूटा था तो 500 लोगों को देवता अलग ले ले गया संघ तोड़ा तब संघ हाथ उसके नहीं लगा जिसके लिए कभी माफी नहीं मिली इसलिए ये जो नियम है कि भाई किसी भी हालत में जब भी ये लगे हाउस को कि ये मीटिंग प्राइवेट हो गई है या संघ के नियम नहीं माननी है उसको तुरंत वापिस कर लिया जाए और उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए और ये जो यहां जो जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करते 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 उसके हैविचल हो जाते हैं और हैविचल होने के बाद में वो दूसरा काम पकड़ना नहीं चाहते हैं या तो उनसे काम वापिस ले लिया जाए और या फिर उनको साफ साफ कह दिया जाए कि एक काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि संघ में जब चेहरा जाता है तो लोगों को नहीं पता होता कि संघ व्यक्तिवाद से परे है पर कोई व्यक्ति उस चेहरे का फायदा उठा के बाद में संघ को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए संघ के अंदर ये रोटेशन की पॉलिसी और चेन की पॉलिसी ये आनी चाहिए ये सारा का सारा जितना भी किस्सा है किस्सा संघ को नुकसान पहुंचाया इसके अंदर मैं भी दोषी हूं मैं इस बात के लिए दोषी हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात थी कि यह बात वहां से बिगड़ रही है पर मैं ये सोच के कि संघ का नुकसान ज्यादा ना हो चलो ठीक हो जाएगा ऐसा है मैं इसको रोक रोक के रहा अगर मैं तभी संघ के संज्ञान में इसको ले आता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती जितनी बिगड़ी है और भी लोग हैं जिन जिनके संज्ञान में थी इसलिए ये नियम के अब जब भी किसी को ये जानकारी मिले कि ये संघ के नियम टूटे हैं वो तुरंत बताए इसमें देरी ना लगाए क्योंकि अगर आप छोटी गलती को छुपाएंगे या कोई नियम टूटा है अगर उसको ये सोच के छोड़ेंगे कि छोड़ दें तो वो बाद में नासुर बन जाता है फिर बहुत बड़ा नुकसान करता है और इसी बात के लिए मैंने यहाँ इतने सारा टाइम आपका लिया है कि आप सब लोग कुछ नियम पास कर दें एक तो काम के रोटेशन का नियम दूसरा जो ग्रुप है वो सारे सारे ग्रुप जो डिटल कमेटी है वो चलाए तीसरा जो ये हमारा यहाँ जानकारी के अभाव में नुकसान होता है तो कोई भी आदमी जाए या संघ को छोड़े तो एक बार संघ को फेस करके जरूर जाए संघ को बता के जाए ताकि संघ भी अपने आप को सुधार ले और उस व्यक्ति की हो सकता है कोई गलतफहमी हो जिससे कि वो हो क्योंकि यहां एक समस्या हमारे साथ ये भी आई कि जो लोग यहाँ संघ में बैठे हुए हैं उन पर तो आप संघ का नियम चला दोगे पर जो संघ को पहले ही छोड़ के मन बना गए और चले गए संघ को छोड़ गए संघ को मान्यता नहीं देते उन पर संघ का कोई भी सजा कैसे अप्लाई होगा तो उसका भी एक नियम बनाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर बिना संघ को बताए संघ की अनुमति के लिए लिए बिना संघ को छोड़ता है संघ को बिना जानकारी दिए संघ को छोड़ता है तो उस व्यक्ति का घर तक पीछा किया जाए यानी कि जो वो व्यक्ति संघ को नुकसान पहुंचा के गया है ये बात सबको बता देनी चाहिए कि ये व्यक्ति संघ को बिना मान्यता के बिना जानकारी के संघ की छोड़ गया है इसलिए इसकी किसी बात पे यकीन न किया जाए और उस पर कुछ ऊर्जा खर्च करनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी संघ को बिना बताए जाने की हिमाकत ना कर क्योंकि आए तो यहां अच्छे मन से आए पर जाए तो अच्छे मन से ही जाए जाए जिसको जाना है संघ बार बार कहता है जाओ फिराओ जाओ फिराओ, फिराओ कोई दिक्कत नहीं पर इस तरह से संघ की बेजती करके या संघ को छोड़ के या संघ को लात मार के या संघ को तवज्जो नहीं दे के या संघ को इग्नोर करके या संघ की बिना सुने या संघ को बिना कहे जाना ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने माँ बाप को बिना बताए उनका घर छोड़ के चले जाते हो कह के जाओ क्या दिक्कत है यहाँ कौन सा पैसा लेता है या कौन फीस है दुआ सलामी होगी तो अच्छा बना रहेगा इतना सा मेरा निवेदन है हाउस से धन्यवाद सर आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद